आप देखेंगे सल्लू भाई ने जो किया है एडिशनल ट्रांसप्लांट, वो कहते नहीं है कि आप देखेंगे सारे के सारे बाल सल्लू भाई की तरह इनके पर आ जाएंगे, और मैं उसको रिमूव करके और फिर वो मैं पुट करके दिखाऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। मैं जब बहुत यंग था, आज से करीबन 30 साल पहले, मेरे भी बाल चले गए तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो मुझे तब से ही एहसास था कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि जिन लड़कों के बाल चले आते हैं उनके दिल में क्या गुजरेगी, तो मैं फील कर सकता हूं। एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरता किसी के बाप से, जा मेरे नाम के बिल भाड़ ले, बिल भाड़ ले, बिल भाड़, अरे जा मेरे नाम के बिल भाड़, जो उखाड़ ना उगाड़ ले। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, सुपरमैन सलमान का फैन, जो ले वे पंगा कर दूं मैं फैन। आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं, है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं, यारो यही है वादा के वादे पे अपने मिट जाऊं। मेरे जीने का ढंग है, और मेरा अपना अपना बस एक रंग है, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है, अरे आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है, मेरी तरह हो जिगरा तो ये दुनिया मुझसे डरती है। आंधी तूफान जो मुझसे टकराए, अरे मेरे आगे कोई टिक ना पाए, मेरा ही जलवा। से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। तो जहां मैंने पाया कभी सोचा ना था ये, मिलों दूर होगा साया, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। ओ गड़बड़, अपने अपने फंडे होते हैं, मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। मेन बात है कि अगर कोई सर के पास जो जिसका सक्सेसफुल हुआ कोई तो बताता नहीं है, इसको पकड़ना सर नामुमकिन है। देख रहे इतना सर सिल्की हो गया, मेरा उसके सामने पूरा फ्लॉप हो गया।
मेरा ओरिजिनल बाल इसके सामने कुछ नहीं है सर। कोई भी हीरो का हेयर कर सकते हैं जी। आपके पास एक स्टाइल है, आप इसको लंबा नहीं कर सकते क्योंकि लंबा करने में 6 महीना लगेगा, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप लंबा बाल कर दें, छोटा कर दें। सल्लू भाई का तो बाल हिलता नहीं है, ये तो बाल पूरा हिल रहा है, ये तो पूरा हिल रहा है। ये सल्लू भाई का लग रहा है कि जो मैंने प्यार किया निकला था ना पिक्चर, उस टाइप का बाल है पूरा। मैंने प्यार किया भी हो सकता है और आने वाली बजरंगी भाजन और किक भी हो सकता है। तो आप जो भी हेयर चाहेंगे, जो भी डिजाइन करेंगे, अगर आप शाहरुख खान का बाल कहें तो मैं 2 सेकंड में शाहरुख खान का कर दूंगा। ये लग रहा है आपका वांटेड, वांटेड का जैसा लग रहा है, पूरा का पूरा सल्लू भाई का कमांड निकाल के सीधा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये मेरे से 7 साल के बड़े हैं, आज लग रहा है कि मैं इनसे 7 साल का बड़ा लग रहा हूँ। आप खुद मेरे देखिए कि इनसे ये मैं आपने कुदरत मैंने क्या बोले कुदरत के बाद से लग रहा है कि आप ही हो आप जो कुछ सवार सकते हो। ये आपकी टैलेंट की बात है, ये आपका टैलेंट की बात, इसके लिए आपको वेरी वेरी थैंक्स। बहुत छोटे भाई है, उन लोगों को आपके पास पहुँचाए, पहुँचा के दूसरे का अच्छा करे ताकि उनके मन में खुशी हो। बाल तो सभी ला सकते हैं मगर सल्लू भाई का बाल जो आप ला के दिए ये सबके बस की बात नहीं है, चैलेंज की बात है। ये चैलेंज की बात है, ये सल्लू भाई से भी ज्यादा रियल है, हिल डुल रहा है। सल्लू भाई का बाल तो पूरा फिक्स है, एक ही तो सब पर है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप टॉलीवुड बॉलीवुड करते रहते हैं, कोई भी बंदा आप 70-80 साल का ला के दें हम खड़ा कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 7 साल बड़े थे और 7 साल छोटे हो गए, तो 14 साल एक सिटिंग में जब इंसान लग सकता है तो जाहिर है अगर 2-3 महीने की अगर प्रॉपरली ग्रूमिंग स्कीम भी करेंगे तो आपका क्या होगा। मेरी उम्मीद है ये वीडियो आप लोग सब देखें और ये मैं व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि ये बालों का मसला हल हो जाए और ये दंगा मचा हुआ है बॉलीवुड का हेयर का कि सल्लू जी के रियल बाल हैं। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। सुबह शाम और लोग वहाँ पे लाइन लगा के अपना सर लेके पहुंच जाते हैं। आपके पास इंटरनेट है, आप खुद देखिए इंटरनेट में किस तरह से ट्रांसप्लांट हो रहा है और किस तरह से लोग बेवकूफ बन रहे हैं। गगन बरसावे रे वो ठंडी पवन बन जावे रे जो सबका भार उठावे रे वो जब खड़ी कठिन सी आवे रे वो झट से सबल बन जावे रे जो सबको पार लगावे रे वो ही दबल। आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये इम्प्लांट इनके बालों पे हुआ है। आप और से देखें, ये देखिए ये बाल है, इनकी स्किन है और ये स्किन के ऊपर ये बाल हैं। इनके सामने मेरा बाल डुप्लीकेट लग रहा है, आपने सर क्या बना दिए, कुदरत के करिश्मा को भी फेल कर दिया। ये एक रेंज में कटे हैं, फिर एक बार और काटूंगा, लेकिन आप जितने बार कटेंगे ये उतने रियल और उतने सुंदर दिखेंगे। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे झुंझार हो तैयार वही सरदार सलाग है।
सारे भाइयों का बेस्ट हेयर बनाकर वो हेयर आप कर सकते हैं। अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप इस बार पूरा का पूरा बजरंगी भाईजान बना दो कि इस बार में कितने स्टाइल होता है और हर स्टाइल कितना रियल है। बहुत भेड़ भाई, तू लड़की के पीछे भाग गया, लड़की पैसा लेके भागी, तू पैसे के पीछे भाग गया, लड़की तेरे पीछे भाग गई। ये तो पूरा का पूरा बजरंगी भाईजान आपने बना दिया। सल्लू भाई के जितने हेयर स्टाइल है सब कर दिए। वाह सर वाह, और तो देखिए इनके बाल छोटे करते करते मैंने इतने छोटे कर दिए हैं। वाह सर, मैंने जो मांगा वही आपने दिया सर। सलमान भाई का तो सब आपने स्टाइल हेयर स्टाइल करके दिखा दिया। रून होने किया है, खत्म मैं करूंगा। सर आप देख सकते हैं ये मैंने जेल ली है और ये रियल बाल हैं। अगर रियल बाल हैं तभी वो जेल में सपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, आप जेल भी लगा के इसको कोई भी स्टाइल और भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही एक मैं तो सुपरमैन सलमान का जो ले। पहले फैन थे सलमान खान का, अब और एक फैन बढ़ गया सलमान खान। कोई भी बंदा शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, ये जितने हैं सारे के सारे हेयर आ सकते हैं। और नाउ डेज द टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं ये निकलेगा भी नहीं, आप इसको टांग के निकालिएगा, देखिए जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, इतना तो निकल रहा है, ये तो सर पूरा निकल रहा है। नहीं सर नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। ये आप देख सकते हैं, मैं पूरे ताकत से निकाल रहा हूँ लेकिन ये निकल रहा नहीं है। ये चमड़े के साथ स्टिक हो गया, आप देख सकते हैं। और से देखिए आप, आपको लगेगा ये इनके ही बाल हैं, ये सल्लू जी के बाल हैं। इसको आप नहाइए धोइए, कोई अगर टानेगा भी तो भी आपके बाल नहीं। कहते हैं ना कि कोई लड़ाई होगी तो बाल निकल जाएंगे, ये लड़ाई होने के बाद भी नहीं निकलेंगे। और आपकी ऐसी बॉडी है, अगर कोई हाथ देगा तो वही फ्लैट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया है, मैंने खुद भी किया है अपना, आपने मेरा भी देखिए, आप देख सकते हैं। नहीं लग रहा, तो पूरा रियल लग रहा है, रियल लग रहा है, रियल लग रहा है। आप देख सकते हैं व्यूअर, देखिए मैंने भी किया है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें आपको। आप कहीं से भी और से देखे तो ये बिल्कुल रियल है। मेरे कई डिजाइन है, ये वन ऑफ द वन यंगस्टर लोग ऐसा करते हैं। मेरी उम्र नहीं है, मैं 53 साल मेरा क्रॉस हो चुका है और इस उम्र में अगर मैं ऐसा हेयर स्टाइल करता हूँ, लेकिन मेरा काम ऐसा है, मजबूरी में करना पड़ता है। मीडिया को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के जितने हेयर स्टाइलिश हैं, अगर सब एक जगह भी खड़े हो जाएं, जिनके पेपर्स में आप पढ़ते हैं, सारों को एक जगह खड़ा कर दे, अगर वो मेरा 1% अगर काम जान पाए तो मेरा चैलेंज है। आप दिखाते हैं, आओ सिर्फ लिखते हैं, एक एक बाल। शुरू में आपने देखा होगा सारे वीडियोस किए सलमान जी के, जो पहले बाल थे बाद में थे, और अभी के लास्ट जो फिल्म आई है बजरंगी भाई, भी इसी तरह के हेयर है। लेकिन मेरी ये दुआ है सलमान खान जी की पिक्चर हिट हो, अल्लाह उनको और तरक्की करे, और वो जो सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सारे लोग उनकी तरह सोशल वर्क करें, और उनकी वही सोशल वर्क का आज नतीजा आप देख रहे हैं कि आज उनका उनके नाम का डंका बज रहा है। तो इंसान अगर कुछ अपना हिस्से का पैसा अगर लगाता है अच्छे कामों में तो अल्लाह उससे हजार गुना देता है। तो मेरी सबसे दुआ है कि आप लोगों के पास जो पोजीशन में है शाहरुख जी और जितने इंडस्ट्री है, वो कुछ ऐसा काम करें जो लोगों का भला हो, कि बजरंगी भाईजान सुपर हिट हो, लेकिन ये मेरा हेयर लुक्स भी सुपर हिट हो, ताकि सब के बंदे सल्लू भाई की हेयर स्टाइल में। और व्यूअर्स आप देखें और ये वीडियोस को शेयर करें व्हाट्सएप में, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। प्यार करने वाले, प्यार करते।
दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने।